नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। शाहजहांपुर बिहार मोतिहारी से डबल डेकर बस टक्कर मार जा रही थी अंबाला के लिए, तभी रास्ते में हो गई घटना की शिकार। बता दें कि एक डग्गा मार बस डबल डेकर जो कि बिहार मोतिहारी से 150 सवारी लेकर चली थी, वह बस मंगलवार शाम 6 बजे उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के पवाया तहसील से होते हुए निगोही की ओर जा रही थी। तभी शाम को 6:30 बजे बस पलट गई। बस पलट जाने से यात्रियों में कोहराम मच गया। इसकी सूचना पड़ोस के गांव वालों ने पवाया पुलिस को दी। पवाया के थाना प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह एवं क्षेत्र अधिकारी बीएस वीर कुमार अपनी संयुक्त पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और ओम आया। वहां पे नगर पालिका के अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता और संजू भी घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। इस पूरी टीम ने 108 नंबर के एम्बुलेंस को बुलाकर तत्काल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया। जो यात्री सुरक्षित थे उन सब के रहने एवं खाने का पूरा प्रबंध पुलिस प्रशासन पवाया एवं नगर पालिका चेयरमैन संजय गुप्ता और संजू के द्वारा कराया गया। उन सभी यात्रियों को सरकारी मैरिज लॉन गांधी पार्क में रहने एवं खाने की व्यवस्था कराई गई थी। उसी व्यवस्था को देखते हुए बिहार मोतिहारी के लोगों ने पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका के अध्यक्ष संजय गुप्ता और संजू की बहुत ही सराहनीय की। उन्होंने कहा, उनका धन्यवाद भी अदा किया और कहा, उन्होंने क्या कहा वो सब आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए अजय त्रिवेदी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं इस समय पवाया गांधी पार्क खड़ा हूँ। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस शाहजहांपुर से अजय त्रिवेदी और न्यूज 24 में आपका स्वागत है। कल शाम 6:30 बजे मंगलवार दिनांक 22 फरवरी 2022 एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें डबल डेकर बस बिहार से चलकर जा रही थी लुधियाना अम्बाला के लिए, जिसका पवाया कोतवाली क्षेत्र में एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर की लापरवाही के वजह से बस पलट गई। पलट जाने से कई यात्री उसमें घायल हुए हैं, कई सुरक्षित हैं, जिनसे अभी बात करेंगे कि पवाया नगर पालिका परिषद ने एवं पुलिस प्रशासन ने क्या उनका सहयोग किया है, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने या यहाँ के प्रशासन ने कैसे उनका के साथ कैसा व्यवहार किया है, अभी उनसे बात करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? कौन सा? हरियाणा में रहते हैं आप? कहाँ जा रहे थे, क्या घटना घट गई? बिहार जा रहे हैं। बिहार क्यों गए थे, तो हरियाणा में रहते हैं? बिहार में तो गए। अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या घटना घट गई, कैसे क्या हो गया? वहाँ से चले यहाँ बस पलट दिया, ड्राइवर की लापरवाही हुई। ड्राइवर लापरवाही हुआ, ड्राइवर की लापरवाही। अच्छा, इस समय आप उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की पवाया तहसील में पवाया में गांधी पार्क में आप खड़े हैं, जहाँ पे नगर पालिका के क्षेत्र में आता है स्थल, और यहाँ के नगर पंचायत चेयरमैन है नगर पालिका के संजय कुमार गुप्ता एवं पुलिस प्रशासन पवाया एवं डॉक्टरों ने आपका क्या सहयोग किया? जब भी पहले घटना घट गई थी, बस पलट गई डबल डेकर पवाया थाना क्षेत्र में, इस समय आप कहाँ रुकी हैं? इस समय आप पवाया गांधी पार्क में रुकी हैं। यहाँ की जनता ने या आम जन ने या पुलिस प्रशासन एवं नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या सहयोग किया आपका? चेयरमैन साहब ने आपका सहयोग किया? हाँ जी, सब प्रशासन। पुलिस प्रशासन ने क्या सहयोग किया? यहाँ के क्षेत्र अधिकारी बीएस कुमार बी जी हैं एवं और बहादुर सिंह कोतवाली के प्रभारी हैं। सारी चीज की व्यवस्था की, यहाँ रोटी पानी के रहने की व्यवस्था। हम कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे? हम गोपालगंज के निवासी है विनोद कुमार सहनी। हम लोग बिहार से आ रहे थे, मोहम्मद उच्चक से गोपालगंज जिला का निवासी हूँ। हम लोग 19 बंदा थे। इसमें कोई ठेकेदार का, पहले भी मैं कह चुका था ये बात, इसमें कोई ठेकेदार का बंदा नहीं है। हम लोग कंपनी में काम कर रहे थे जमुनानगर हरियाणा, ठीक है। 2-4-5 जो बंदा था वो जख्मी था, मैंने चोट वोट लगा है घाव, बाकी बंदा ठीक है। आप लोग बहुत व्यवस्था किए, हमारे मीडिया वाला भाई थाना पर आए। उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहांपुर के पवाया तहसील में कि टाउन में आ रहा गांधी पार्क, वहाँ पे खड़े हैं यहाँ के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता हैं एवं पुलिस प्रशासन
ने आपका क्या सहयोग किया और आप संजय कुमार गुप्ता और पुलिस प्रशासन ने हम लोग का बहुत बहुत बिहारी भाइयों को बहुत ऐसा मैंने व्यवस्था किया जो उससे हम बहुत सहमत हैं सारा आदमी ठीक है सब लोग खुश है। लेकिन चूंकि आप लोग से यही हम लोग का निवेदन है कि बहुत लोग आप हम लोग को खाना पीना रहने का पर व्यवस्था ढंग हर चीज़ का व्यवस्था किए लेकिन यहाँ से अब जाने का जो भी आप लोग का तरीका है कर दीजिए। जो भी बंदा जाएगा वहाँ कमाने के लिए सही सलामत है उसको वहाँ भेजेंगे और जो हल्का फल्का चोट लगा है उसको बिहार हम भेज देंगे। अभी प्रशासन यहाँ पर आए थे परिवहन विभाग के अधिकारी हैं वो आए थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? बहुत बढ़िया दिया। क्या कहा उन्होंने? बहुत बढ़िया व्यवस्था की। उस वक्त तो मैं नहीं था लेकिन आप लोग को देख कर यहाँ का जनता की नगर पालिका की विधायक की चाहे जो भी जनता गढ़ है बहुत बहुत हम दसों अंगुली जोड़कर धन्यवाद कर रहे हैं। हमारा बिहार भाई वासियों ने आप लोग के सहमत देंगे। यहाँ पुलिस प्रशासन के बारे में संबंध क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस प्रशासन हम लोग को दो मिनट में वहाँ से एम्बुलेंस 10 को भेज कर वहाँ से हमको उठा कर यहाँ लाया। बाकी लोग जो घाव चोट लगा है उसको व्यवस्था किया। क्या हादसा हो गया है? कारोबार हरिद्वार है। इस वक्त आप कहाँ रुकी हैं? कोवाया रुकी हैं। कोवाया में आपके यहाँ घटना घट गई है कि डबल डेकर बस थी जो तो मोतिहारी से अम्बाला के लिए जा रही थी वो सड़क हादसे में पलट गई है। तो यहाँ आप कोवाया में रुकी हैं, कोवाया क्षेत्र में ही बस पलटी है। तो यहाँ के पुलिस प्रशासन एवं बहुत अच्छा है। कहाँ से आए थे, कहाँ को जा रहे थे? गांधी पार्क में वाया तहसील गांधी पार्क। गांधी पार्क है ये जनपद शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का जिला है शाहजहाँपुर जो कि वाया तहसील है। यहाँ पर एक गांधी पार्क है नगर पालिका के अंतर्गत आता है। तो यहाँ की आम जनता ने नगर पालिका के चेयरमैन है कुआएं के हमारे संजय कुमार गुप्ता जी और पुलिस प्रशासन ने आपका क्या सहयोग किया है? बहुत मदद करी। किसने मदद की? आप यहाँ के जनता और यहाँ प्रशासन है। यहाँ जो बिहार मोतिहारी से आए हुए थे जिनकी बस डबल डेकर कुआया कोतवाली क्षेत्र से निगोही की तरफ जा रही थी जो पलट गई जिसमें 175 सवार पैसेंजर सवार थे उसमें जब पुलिस प्रशासन को सूचना मिली कि बस पलट गई है पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तत्काल भाव से पूरी कार्रवाई कराई। सभी के रहने की खाने की व्यवस्था एवं उपचार की व्यवस्था कराई गई। अब आप देखिएगा यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ की जनता से कितना संतुष्ट है। बिहार के लोग बता रहे हैं कि बिहार में ऐसा नहीं होता जैसा उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर में मेरे साथ जो व्यवहार हुआ है उससे सभी बिहारी भाई पुलिस प्रशासन का एवं यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन का धन्यवाद कर रहे हैं। मैं अजय त्रिवेदी कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस शाहजहाँपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।